मैं आपसे बोलूं कि आप लोग मोबी को का जो ऐप ऐप होता है जिससे आप लोन लेते हो 50,000 60,000 1,00,000 जितना भी आपको मिलता है आपके पैरेंटर के डिपेंड पर, मतलब आपके पैरेंटर के सिविल स्कोर के आधार पर, और आप ये चाहो कि मुझे इस पैसे को नहीं चुकाना है, जो होगा देखा जाएगा, तो नुकसान क्या होगा इन फ्यूचर्स आपका और कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये शायद आप विश्वास नहीं कर सकते हो। वीडियो पर होने वाला है तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते चलो। वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। अगर आप मोबी को के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो या फिर आपने लोन ले रखा है और आप इसको यूज़ कर रहे हो तो इस वीडियो को देखना तो बनता है, ठीक है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो आगे भी लाता रहूँगा इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब भाई एक यूज़र मुझे मैसेज करता है कि भाई मोबी को जो मैं चलाता हूँ मैंने अभी 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च कर लिए और मैंने इसको अभी तक ड्यू चुकाया नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम होगा मेरे साथ, क्या होगा मेरे साथ। देखो भाई यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले देखो जो आपका पैन कार्ड होता है, एक तो आपका पहले तो एड्रेस है, वो जो कंपनी जो आपको लोन दे रही है उनके पास आपका एड्रेस जा चुका है, वो कभी भी आपको पोस्ट ऑफिस से या कहीं से भी आपको नोटिस भेज सकते हैं कि सर आप पैरेंटर का जो पैसा है उसको चुकाइए, वो सिर्फ बोलेंगे कि सर आपने इसका पैसा यूज़ किया है तो उसको आप चुकाइए, ठीक है। इसके बाद आप फिर भी नहीं चुकाते हैं तो कस्टमर केयर में कॉल आएंगे आपके पास बार बार और आप बोलते हो सर मैं चुका दूंगा, तो आपकी डेट भी आपके स्पेंड हो रही है, डेट आपकी जा रही है, ठीक है ना। आज डेट थी आपने नहीं दिया, डेट बढ़ी, आपके चार्ज लगे एक्स्ट्रा। जब चार्ज लग जाते हैं एक्स्ट्रा तो होता है एक्चुअल में ये है कि आपका जो चार्ज के साथ साथ आपको जो पेमेंट होता है जो देना होता है वो भी बढ़ जाता है। जैसे आपको 30,000 चुकाना है तो थोड़ा जितने भी परसेंट आपको चार्ज लगेंगे ड्यूबलेस चार्ज और आप नहीं देते हैं तो उतना परसेंट और बढ़ जाएगा। पहला नुकसान आपका ये है, ठीक है। इसके बाद एक नुकसान दोस्तों यहाँ पर ये भी होता है, जो आपका पैन कार्ड होता है और उसका सिविल स्कोर के आधार पर आपको लोन मिलता है। अब सिविल स्कोर जो है वो पूरा तरीके से हो जाएगा ख़राब, क्योंकि आप लोग लोन चुकाए नहीं हो, पैन कार्ड पर आपका जो ड्यू बैलेंस होता है वो चढ़ा है नहीं है, तो जब आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा तो एक तो आपको लोन मिलेगा नहीं, जीवन बोल रहा हूँ मैं, लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, यानी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि कभी भी जीवन में आपको लोन नहीं मिलने वाला। अगर आपको अभी कोई इमरजेंसी आ जाती है 5,00,000, 2,00,000, 3,00,000 की, 1,00,000 की, 50,000 रुपये की, तो आपको लोन नहीं मिलेगा भाई, कभी नहीं मिलेगा लोन आपको। कुछ भी कर लीजिए आप, कभी नहीं मिलेगा लोन, क्योंकि आपका पहले से वैसे उधार चुका हुआ है, अभी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, बैलेंस, तो आपको लोन तो मिलेगा नहीं। तो सिविल स्कोर अगर आप ख़राब कर लेते हो तो लोन नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही रखा है दोस्तों, ठीक है। अभी लास्ट बार मैं आपको यहाँ भी ये भी बात करूँगा कि हम फिर भी नहीं देते पैसे तो हमारे साथ क्या होगा। वीडियो भी देखा था संदीप महेश्वर जी का, उस पर कोई एम्प्लॉय था, शायद कोई था, शायद कंपनी का मालिक ही हो, ये एम्प्लॉय था, उसने बताया कि अगर आप लोन नहीं देते तो आपको सिविल स्कोर जाएगा ख़राब और आपको लोन नहीं मिलेगा दोबारा कहीं से भी, ठीक है। लेकिन आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होती जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी तक यूज़ कर लिया है पैलेंटर का या मोबीक्विक का लोन, ठीक है ना, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लोन नहीं मिलता है, दिक्कत एक ही है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हो 1,00,000 2,00,000 तब आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 1,00,000 2,00,000 रुपये का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, या आपको कोई नोटिस भेजा जाएगा, कोई लेकिन नोटिस आपको भेजा जाएगा या कुछ भी होगा, लेकिन थोड़ी बहुत तो होगा, ऐसा तो है नहीं फ्री वाला पैसा है, तो पैसा दिया है कंपनी तो कुछ करेगी, फ्री में तो छोड़ेगी नहीं भाई, ठीक है ना। ऊपर से आपका सिविल स्कोर भी ख़राब हो चुका है, तो आई होप अब आपको पता चल चुका है कि क्या क्या हो सकता है नुकसान। कोई सवाल है तो कमेंट कर दो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कोई सवाल है तो कमेंट कर दो, इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए ऐसी शानदार वीडियो अभी भी मिलती रहेंगी। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो।